की है बार बार पटकते है ना नीचे से सपोर्ट। हमको दिख रहा है तुमको भी दिख रहा होगा, तुम उसको समझने की कोशिश करो। गरम बहुत डब्बा ही पूरा ले जाता है यार। चटनी बनाना है बेटा दो ना। चटनी बनेगा ना इसका, चटनी बनेगा। चटनी बनाऊंगी ना इसका। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो यहाँ इशू ना सारा का सारा नारियल ही लेके चला गया, तो उसे लेकर के आई रोने लगा। एक नारियल उसे दे दिया था, तो यहाँ नारियल को उसका पीछे का जो काला काला सा होता है ना, कई बार ब्राउन होता है काला, उसे हटा लिया है। बस नारियल को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके मिक्सर जार में डाल दिया। इसमें डाला है कड़ी पत्ता और मिर्ची, और इसमें डाली है दही। खटास के लिए आप नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ना हो तो आपके पास दही। और इसमें डाला है पिंक सॉल्ट, सादा नमक कुछ भी डाल सकते हो, और हल्का सा इसमें डालूंगी मैं काला नमक। और बरसात के मौसम में ना डिब्बे आजकल जल्दी खोल ही नहीं रहे हैं। और इसमें डाली है थोड़ी सी लहसुन, और बस फटाफट से इसका पेस्ट बना लेंगे। तो पेस्ट बन के तैयार हो गया है, और इसे लगाना है हल्का सा तड़का। तो आप चाहो तो ऐसे भी खा लो, तड़का नहीं लगाना है तो ना लगाओ। तो इसमें डाला है सरसों का तेल, और इसमें जाएगा थोड़े से राई के दाने और खड़ी लाल मिर्च। इनको अच्छे से चटक जाने देना। और इसमें डाला है कड़ी पत्ता, और बस हल्का सा ऐसे तड़का दे दिया है चटनी को। तो चटनी बनके तैयार हो गई थी। और मेरे घर में ज़्यादातर ना सभी प्लेन डोसा ही खाते, तो यहाँ पे प्लेन डोसा बना रही थी सबके लिए। और बच्चे चीज़ डोसा बहुत पसंद करते हैं। तो अभी बेटी के स्कूल जाने में टाइम था, तो उसके लिए एक बना के दे दूँगी, तो अपना खा करके चली जाएगी। तो बस इसमें डाला है थोड़ा सा कैचअप, और मेरे पास चीज़ सॉस है। आप चाहो तो चीज़ स्लाइस का भी यूज़ कर सकते हो। ये पेस्ट वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, और ये बराबर से चारों तरफ अच्छे से लगा दिया है। और बस आप चाहो तो ज़्यादा डार्क ब्राउन करना चाहो तो कर लो, या तो मीडियम ब्राउन करना चाहो तो वैसा बना लो। और डोसा मैं किसी भी चीज़ का बनाती हूँ, पता नहीं, टचवुड मेरा अच्छा ही बनता, हमेशा परफेक्ट ही बनता है। तो यहाँ बन के हो गया है तैयार, तो बच्चे इसको आराम से बहुत मज़े से खा लेते हैं चीज़ डोसा। और बस इस तरह से चार पांच बच्चों के लिए बना करके दे दूँगी। रोटी जितना नहीं खाते ना, उससे ज़्यादा मेरे घर में मेरे बच्चे बहुत अच्छे से डोसा खा लेते हैं। और हस्बैंड जी का भी बना दिया था, उनको भी दे दिया है। और बस इधर आ गई थी वापस से किचन में, तो यहाँ लग गई थी कच्चे केले की सब्ज़ी बनाने के लिए। तो कच्चा केला छील लिया था, और बस इसे हल्का सा फ्राई कर लिया। और यहाँ पे मिक्सर जार में डाला है कुछ कुछ खड़े मसाले, तो लहसुन अदरक और प्याज डालने के बाद इसमें कुछ कुछ खड़े मसाले, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और लौंग डाली थी, काली मिर्च डाली थी, और ज़ीरा डाल करके पेस्ट बना लिया है। और कढ़ाई में हल्दी, पहले कढ़ाई को अच्छे से गर्म करने के बाद इसमें तेल अच्छे से गर्म कर लिया था, क्योंकि मैं सरसों के तेल में ही खाना बनाती हूँ। तो बस
जय श्री महाकाल। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सुबह से आप लोगों से बात ही नहीं हो पाई और आज है सोमवार का दूसरा फास्ट मेरा, तो सावन सोमवार का दूसरा दिन है आज, तो आज तो मेरा फास्ट है। बाकी सबके लिए खाना बना दिया है, ये हस्बैंड जी की थाली लगा दी, आज उनका काम बहुत ज़्यादा चल रहा है और आज ना थकान भी बहुत ज़्यादा हो रही है, नींद पूरी नहीं हुई ना, तो अभी सोच रही हूँ कि थोड़ी देर से सो जाऊँगी। तो बस अभी सबको खाना दे दिया है, बच्चों को खाना खिलाऊँगी और आज ऐसा कुछ रेसिपी शूट करी, बाकी कुछ भी नहीं हो पाया, इतना ही टाइम मिल पाया। और बच्चे देखे यहाँ पूरा खिलौना बिखरा रखे, वापस से मुझे ठीक करना पड़ेगा घर। तो ये बेड पर ले जाके ये सारा काम ना इशू का रहता है, आजकल इशू बहुत बदमाश हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया है, भयंकर की बारिश हो रही है, ये पानी बह रहा है पूरा, आज गजब की बारिश हो रही है। और ये फुलके खाने निकले, आज इनको फुलके खाने का मन है। ए ईशु, गाड़ी गिर जाएगी। और ये लड़का गाड़ी चला रहा है, ये देखो मजा आ रहा है गाड़ी चलाने में, गिर जाओगे तब पीछे होके बैठो, मजा आ रहा है मिर्ची फुल्की खाने में। खिलाओ ईशु को भी, खिलाओ मिर्ची ईशु को भी खिलाओ। तो और भरा होगा, डूब जाएंगे अपन। जनवक दुकान पास देखना, इस वाली रोड पे बहुत पानी रहता है। ये प्रसाद ले लो, प्रसाद लेके आओ, जाओ मिर्ची ले लो। बैठे रहो। अरे मिर्ची यार, बैठे रहो, इसी के ऊपर धन्यवाद भैया। महादेव का